आज बड़े दिनों के बाद रविश कुमार की स्टाइल में बात करने का मौका मिला है। खोना क्यों चाहिए? नहीं, पहलवान का बेटा पहलवान, जज का बेटा जज, तो रविश कुमार का बेटा रविश कुमार क्यों नहीं? है कोई जवाब? ऐसे ही कॉलेजियम सिस्टम का भी कोई जवाब नहीं। 1998 में तीसरा जज विवाद, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था स्थापित की। उस व्यवस्था को कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनके अलावा जो चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ये इनका एक फोरम है और ये फोरम सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश बनेगा उसके लिए उच्च न्यायालय के जजों के नाम और कुछ वरिष्ठतम वकीलों के नाम जो है केंद्र सरकार को भेजती है। अब केंद्र सरकार उन नामों की जांच करती है, उन पर जो आपत्तियां है उनकी जांच करती है, और अगर कुछ आपत्तियां है तो उनको हटा के जो है वो कॉलेजियम को वापस भेजती। कब? किंतु वो नाम भी भेजने पड़ते, सिर्फ ये बताया जाता है कि इस पर हमें आपत्ति है। अब कॉलेजियम के पास ये जब नाम आते हैं तो कॉलेजियम, अच्छा, इसके अंदर केंद्र सरकार जब आपत्तियों की जांच करेगी, उन नामों की जांच करेगी, तो अपने भी कुछ नाम घुसेड़ सकती है, कुछ नाम भेज सकती है। जब ये नाम वापस से कॉलेजियम के पास आते हैं तो कॉलेजियम जो है देखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने कौन से नामों पे आपत्ति की है, क्यों की है, ये जांच सही हुई है नहीं हुई है, किसको पता। तो कॉलेजियम वापस से एक फाइल बना के, एक लिस्ट बना के जो है वो केंद्र सरकार को भेजती है और कहती है कि देखो आप सेकंड टाइम भेजे। कॉलेजियम जब दूसरी बार ये नाम केंद्र सरकार के पास भेजती है तो केंद्र सरकार के पास उन नामों को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या दूसरी बार कॉलेजियम ने जो नाम भेजे हैं क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के जज बनते हैं? नहीं, क्योंकि जब दूसरी बार कॉलेजियम वो फाइल केंद्र सरकार के पास भेजते, केंद्र सरकार पर वो फाइल बाध्यकारी है, केंद्र सरकार को वो नामों की सिफारिश जो है वो माननी है, किंतु कब माननी है इसका कोई समय सीमा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अब होता क्या है जो हम लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि हम जज तो है नहीं, ना ही जज के बेटे हैं, मतलब रविश कुमार ऐसा बोलता है। अब यहां क्या होता है कि कॉलेजियम में जो पांच जज है, जो मुख्य न्यायाधीश है और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ये जो नाम भेजते हैं और फिर केंद्र सरकार उन नामों को जांच जो भी करना है उसके साथ वापस भेज देती है, तो कॉलेजियम वापस से बैठता है। अब कभी कभी क्या होता है, कॉलेजियम का ही कोई जज रिटायर हो जाता है, मतलब दूसरी बार लिस्ट वापस भेजने से पहले अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो आ गया ना मजा, क्योंकि कब कॉलेजियम में कोई नया जज आएगा, नया जज आएगा तो वापस से मीटिंग होगी, वापस से मीटिंग होगी तो नामों में इधर उधर हो सकता है, भारत है कुछ भी हो सकता है। अब वो नामों की लिस्ट जो है वापस केंद्र के पास भेजी जाती है, केंद्र जो है अपना खेल खेल सकता है, कॉलेजियम भी अपना खेल खेल सकता है। अब मान लो जैसे मैं रविश कुमार और मेरे बेटे का नाम जो है मुझे उस, मैं कॉलेजियम का हूं, सदस्य हूं, और मुझे जो है मतलब मैं वरिष्ठतम जज हूं उन चार में से, या आप मुख्य न्यायाधीश भी समझ सकते हैं। अब मेरे ही बेटे का नाम अगर मैं केंद्र के पास भेज दूं और केंद्र अगर उस पर जांच आपत्ति करे और अपने भी दो नाम भेजे, तो भाई मैं क्यों उन दो नामों को कंसिडर करूंगा? तो मैं ये कोशिश करूंगा कि चलो भाई आपके दो नाम में मान लेता हूं, मेरे बेटे का भी तो मान लो। ऐसे चलता है हमारा कॉलेजियम सिस्टम। केंद्र के पास फाइल भेजो, केंद्र वापस आपके पास भेजेगा, आप वापस केंद्र के पास भेजो, केंद्र दबा के बैठ जाएगा।
आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 6 से 7 वैकेंसीज है, टोटल तो 31 नंबर है। एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश और 30 जो है बाकी बाकी जो न्यायाधीश है, कोलेजियम में 5। मैं कुल मिला के ये जो 31 वैकेंसीज है उनमें से 6-7 तो ऑल टाइम खाली रहती है, तो जो केसों का जो बंडल है वो तो ऊपर जाता ही रहेगा ना। अच्छा, हाईकोर्ट भारत में 26 हाईकोर्ट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इनमें भी बहुत सारी वैकेंसीज है। अरे 100 के ऊपर वैकेंसीज है और वहां पे भी फाइलों का जो भंडार है वो बढ़ता रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे बना लो, रवीश कुमार के बेटे को भी जज बना लो, आपके भी नाम दे दो, उसको भी बना देंगे। कोलेजियम सिस्टम ये कहता है कि कोलेजियम जिन नामों को केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय को उन नामों को ही जज बनाना आवश्यक है, यह बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, आप जो भी मान लो। इसमें एक पंगा है। अब पंगा यह है, अगर मान लो कोलेजियम में जो 5 जज है उन्होंने जो सिफारिश की है उसमें 2 जज अगर उन सिफारिशों के साथ सहमत नहीं है तो हमारे जो राष्ट्रपति जी है इन पर जो कोलेजियम ने जो नाम भेजे है, जो सिफारिश भेजी है वो बाध्यकारी नहीं होगी, ऐसा पंगा है। यानी कोलेजियम में 4 जज कम से कम उन नामों की सिफारिश करें, यानी अगर 3 ही जज करते हैं, मान लो उसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सहमत नहीं है और कोई और एक न्यायाधीश सहमत नहीं है तो भी कोलेजियम तो नाम भेजेगा ही ना। या मान लो मुख्य न्यायाधीश सहमत है और 2 न्यायाधीश सहमत है, 2 नहीं है तो मेजॉरिटी तो हो गई ना, 5 में से 3 तो मेजॉरिटी होती है ना, नाम तो भेजे जाएंगे। पर राष्ट्रपति महोदय देखेंगे कि इसमें तो 2 जज तो असहमति दिखा रहे, तो मैं क्यों मानूं। ऐसे ही लंबी लिस्ट बनती रहती है, कोलेजियम के पास भी कुछ नाम पड़े होते हैं, केंद्र सरकार के पास भी कुछ नाम पड़े होते हैं, वो नाम ऐसे ही पड़े रहते हैं और नाम पड़े रहने की वजह से वैकेंसीज भी बरकरार रहती है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, ये कोलेजियम जो है ना, या ये जो भी वरिष्ठतम जज है, या आप कह सकते जो भाई भतीजा चलाना चाहते हैं, जिसका संविधान में मतलब कोलेजियम का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, ये जो भाई भतीजावाद चलाना चाहते ऐसा आरोप है, तो ये जो कोलेजियम है ये कोलेजियम जजों की नियुक्ति के अलावा भी कुछ काम करता है, मतलब हमारी न्यायपालिका में काम होते हैं और भी काम होते हैं। अच्छा, और काम क्या, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में कौन से जज को कब ट्रांसफर करना है इसकी सिफारिश भी राष्ट्रपति महोदय को कोलेजियम ही भेजता है। अब इसमें भी ये 5 है और अगर 2 सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति, ऐसे खेल चलता रहता। यह है हमारा कोलेजियम सिस्टम। हमारे भारतीय संविधान में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, किंतु 1998 में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई पहलवान का बेटा जब पहलवान बन सकता है, रवीश कुमार का नाम बेटा अगर रवीश कुमार बन सकता है तो भाई हमारा भी तो बेटा बनना चाहिए। Myself आर संकोश, थैंक यू।